अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं मलिंडी में हूँ, तो सोचा कि मलिंडी में जो म्यूज़ियम है जो कि ब्रिटिश कॉलोनी था, तो वो आपको विज़िट करवाया जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कितना पुराना है, क्या ट्राइब्स हैं, क्या था इसके अंदर, और म्यूज़ियम किस वजह से बना, कौन रहता था। तो चलें आपको दिखाते हैं। तो ये म्यूज़ियम के बाहर का एरिया है। तो म्यूज़ियम की जो टिकट है वो है, जो रेजिडेंट है उनके लिए 450, और यहाँ के जो सिटीज़न हैं उनके लिए 400, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए जो है तकरीबन 1200 रुपये। तो मैंने यहाँ पे किए हैं 450। तो ये एंट्रेंस, ये हमारे गाइड। व्हाट्स योर गुड नेम? जुमा, माय नेम इज अली जुमा। अली जुमा। या अली जुमा जो हैं ये गाइड हैं, दिस इज अ इन्होंने हिस्ट्री यहाँ की अबाउट द सारी हिस्ट्री बिल्डिंग। बताई है। द बिल्डिंग वाज अ बिल्डिंग इन 1890 बाय द ब्रिटिश। तो 1890 में ये ब्रिटिश के पास था, ये इन्होंने यहाँ पे एक हॉर्स लगाया हुआ बना के। Funnel was used by the British guns from that time in 18th century. 18th century में जो है ब्रिटिश की ये जो है गन्स हुआ करती थी, जिसको के हम तोप बोलते हैं। तो अभी इंटर होते हैं इनसाइड इसमें। तो ये वुड कार्विंग की हुई है, ईसा सुल्तान जो कि मलिंडी का बादशाह था उस वक्त, ये उसकी बनाई हुई इन्होंने। उसके अलावा जो It's an old map. है ये ओल्ड मैप है, ये Yeah, मलिंडी का 1554. The African. 1554। तो ये अरब का डिजाइन है, 15th century से जो है ये उसका दरवाजा है। ये देखो काफी कदीम है। उसके अलावा जो है ये कुछ बोट्स हैं। तो ये एक जो है 15th century की, ये चाइनीज़ की है, उसके ऊपर चाइनीज़ में लिखा हुआ भी है। उसके अलावा जो है ये बाकी अरब वगैरह की है, तो 15, 16, 17 century के हैं बने हुए ये मिट्टी के बर्तन। तो अभी चलते हैं हम ऊपर। तो ये मशीनें हैं 15th century की तकरीबन, जो के इनसे अरब नूडल्स बनाते थे। ये देखो, तो इससे जो है ये नूडल बनाते थे उस वक्त भी। स्पेगेटी नूडल जो है वो खाए जाते थे, इसीलिए उनकी मशीन है लकड़ी की। उसके अलावा जो है ये कुछ कॉपर के बर्तन हो गए उनके, जो कि उस वक्त इस्तेमाल होते थे। ये चाय वगैरह, उसके अलावा कहवा, ये कॉपर पॉट जो है ये जांजीबार से है, ये जो है ये लामू से है, तो ये इनके कुछ
चाय वगैरह के बर्तन हो गए। तो ये ब्राइड ऑफ सोहिली, ठीक है, इस तरीके के, इस तरह के इनके कपड़े, ठीक है, ये जो है ट्रेडिशन है। और ये सामान हो गया, ये ड्रिल वगैरह, उसके अलावा आयरन ब्लेड हो गया, ये बाकी टूल्स हैं, ये इस्तेमाल होते थे बोट बनाने के लिए। वो बीच में जो तख्ती लगी हुई है, ये तख्ती यूज़ होती थी उनके, समझ लो के तावीज़ के तौर पे, कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम जो है वो ख़राब ना हो। तो उन टूल्स के ज़रिए ये बनाते थे, ये वाली बोट, सॉयली बोट, ये वाली इस्तेमाल होती थी, बड़े साइज़ में काफ़ी बनाते थे, तो उसका इन्होंने मैप लगाया हुआ है, डायग्राम। उसके अलावा सॉयली सेरेमनी जो है, शादी ब्याह वगैरह में मर्द जो है वो इस तरह का पहनता था जूता, और ये लेडीज का हो गया। इसके अलावा ये सुरमा हो गया, कॉल कंटेनर। उसके अलावा ये जो है, ये फ्रेग्रेंस के लिए सेंट वगैरह इससे फेंकते थे। उसके अलावा ये बैंगल्स हो गए जो के पैरों वैरों में पहनते थे। और दूल्हा इस तलवार को पकड़ के बैठा रहता था, घूमता फिरता रहता था, तो ये तलवार जो है दूल्हे की है। उसके बाद कुछ आ गई है म्यूजिक के, उनके सिस्टम, ये एलिफेंट टस्क का बना हुआ है, ये भी जो है सेरेमोनियल हॉर्न है, ठीक है, काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग करी हुई की हुई है इसकी। और ये गिटार, टुडंग टोंग। और ये हो गया किचन वेयर, ये किचन का सामान, इसमें जो है ये कोकोनट वगैरह जो है वो पीसते थे। उसके अलावा ये मेज के लिए हो गया चक्की। और पीछे जो डो नज़र आ रहा है एक लकड़ी का, वो पानी के लिए इस्तेमाल करते थे, पानी उससे भर के फिर वो जो बराबर में रखी हुई पतीली टाइप की, इसके अंदर तो मतलब ये इनका किचन का सामान हो गया। अब तो अब ये मिजिकेंडा ट्राइब है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो ये चक्की, ठीक है, ये आटा मेज जो है उसको घुमा घुमा के ग्राइंडिंग स्टोन हो गया, आटा निकल आता था। और ये जो है इनकी जो मिजिकेंडा की शादी हो जाती थी औरतों की, तो फिर वो इस तरीके के कपड़े पहनते थे। ये इनका जो है वो नेकलेस हो गया, इसके अलावा ये बैंगल्स हो गए, वो कानों का हो गया सिस्टम, और ये इनका कोई तावीज़ वगैरह। तो ये देखो, ये छपरे, ठीक है, और ये लोग बैठे हैं, ये सामान बनाते थे, बर्तन वगैरह, ये पतीली, और ये कोयलों पे गर्म करके इस तरीके से पकड़ के, तो जो भी लोहे वगैरह का सामान होता था वो ये लोग बनाते थे, मतलब ये लोहार है। तो ये जो है, ये मछली पकड़ने के लिए ट्रैप बनाते थे, मछलियाँ और बाकी जो है रैट्स। वो ये जो इन्होंने बर्तन लगाया हुआ है, ये है इनकी, ये कोकोनट ट्री से वाइन निकलती है, ये उसके लिए है।
और बाकी नीचे ये बर्तन हो गए, पानी भरने के लिए हो गया, और बाकी ये इनका छोटा सा तीर कमान। तो ये उस वक्त के जो बादशाह होते थे, ये अपना कुछ ना कुछ लेकर घूमते थे सकाफती, ताकि उनकी पहचान हो सके। तो ये बैग हो गया एक, उसके अलावा ये तंबाकू होता है, ये काला जो नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पे, इसके अंदर तंबाकू डाल के ये वो सिगार की टाइप कुछ सिगरेट। और ये बेंच जो है, स्टूल, ये लेके साथ ही चलते थे, ताकि किसी के यहाँ भी जा रहे हैं तो अपने ही स्टूल पे बैठेंगे। और ये काले रंग का, ये कोई उठा के घूमता था, कोई जो है ये लकड़ी। तो मतलब जो भी बादशाह थे उनके अलग अलग अपने चीज़ें थी। आजकल तो तलवारों का दौर भी ख़त्म हो गया, तो ये तलवारों वाले भी नहीं थे, ये इस तरीके का कुछ ना कुछ लेके घूमते थे, ताकि पहचान हो सके कि ये बादशाह है। और ये जो है, ये दवाई, ये डॉक्टर वाला सिस्टम, ठीक है, हकीम, ये उनके बर्तन, उस वक्त दवाई किस तरीके से बनाते थे, ये बर्तन यूज होते थे। उसके अलावा ये झाड़ियाँ वगैरह, तो ये पीस और पीस के कुछ भी करके तो ये दवाई करते थे, दवाई बनाते थे। तो ये पूरा डॉक्टर का निज़ाम हो गया। इसके बाद आते हैं इधर, तो ये इनका म्यूजिक का, ठीक है, म्यूजिक का सिस्टम ऐसे बजाते थे, ठीक है, उस वक्त भी म्यूजिक वगैरह चलता था। तो ये इसका म्यूजिक का हो गया। उसके अलावा जो है, ये इनके ड्रम्स वगैरह, ढोल, तबला, ठीक है, ये ढोल हो गए। ये सींग वगैरह, सींग जो है ये तकरीबन हिरन के हैं, वो इन्होंने पकड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं इधर, ये वाली चीज इंटरेस्टिंग है, ये जो भी दिखाने वाला हूँ ना, ये इंटरेस्टिंग है। ये बोलते थे कि हमारी जो है लोग, जो बादशाह या बादशाह की बीवी, वो मर जाते थे, कोई भी मतलब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो उनकी रूहें जो हैं वो आके तंग करती थी यहाँ पे घरों में, ये ख्वाबों में आती थे या कुछ भी, मतलब उनका मानना ये है। तो ये इस लकड़ी के ऊपर उन्हीं का कपड़ा बांध के और ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, और कोई दो तीन जुमले बोलते थे उनको। तो उसके बाद जो है उनकी रूहें वापस नहीं आती थी। तो ये इनका मानना है, उनका मानना था उस कबीले का, इसलिए इन्होंने ये कपड़े बांध के और ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है। तो ये दोबारा से इनका आ गया किचन का सामान, जिसमें ये कुछ इनके खाने की चीज़ें होंगी, जैसे पाइनएप्पल, मैंगो हो गया, उसके अलावा पपीता है, और ये कुछ बर्तन हो गए, वो कोकोनट का हो गया, कोकोनट को अंदर डाल के उसका वो जो भी होता है, और फिर उसको स्क्वीज करके तो उसका जो है दूध निकालते थे, कोकोनट मिल्क। और बाकी ये जो है ये मेज का हो गया, मतलब वो चावल वगैरह का, ये बर्तन सारे इस्तेमाल होते थे इनके खाने के लिए। तो वो डायग्राम एक लगी हुई है, वो डायग्राम ये रही, ठीक है, इसमें वो खाने वगैरह बन रहे हैं। तो अब आते हैं हम इस तरफ, ये इनका जो घर होता था, घर इस तरीके का बनाते थे, पहले ये स्ट्रक्चर बना के, उसके बाद जो है उसके ऊपर सारी लकड़ी लगा के, लकड़ी वगैरह लगाने के बाद फिर उसके ऊपर जो भी मट्टी वगैरह डालनी है, तो ये इस तरीके का बनाते थे। तो ये अच्छा है, स्टाइल अच्छा है इसका बनाने का इनका। और बाकी ऊपर इनको सामान रखना होता था कुछ भी, ताकि नीचे चूहे वगैरह कुछ भी आता है तो वो ना उतरे इसके अंदर। देख रहे हैं ये ऊपर एक बना हुआ है, तो कुछ भी खाने का सामान जो भी होता था वो ये ऊपर रख देते थे। ये मीट वगैरह जो है, मीट इसके अंदर डाल के
वो भी अपने घर के अंदर लटका देते थे। पीछे एक डायग्राम है जो कि घर की है, जो स्ट्रक्चर हो रहा है उसके बाद ये है। तो उस वक्त के कबीले वाले इस तरह के घरों में रहते थे, पूरा लकड़ी का बना हुआ। तो ये इन्होंने एक पूरा मैप बनाया हुआ है जिसमें के घर वगैरह हैं, ये छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं बीच में, ये इनके घर हुआ करते थे। बुशेस वगैरह लगाते थे ताकि वो हाइना लकड़ बग्गा जो है वो इनको आके डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अपने घरों के पास लगाते थे। चारों अतराफ में जो है इन्होंने पूरा झाड़ियों का वो बनाया हुआ है बुशेस से, ताकि वो इसको इनको डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये डाविडा, उस डाविडा भी एक कबीला है, उस कबीले का सामान भी यहाँ रखा हुआ है। वो उनके भी वही बर्तन वगैरह, जो उसके अलावा जो उनके रॉयल फैमिलीज हैं, ठीक है, बादशाह, उनका सामान और बाकी खाने वगैरह का, औरतों का टेंकलेस वगैरह जो भी पहनते थे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी पूरी हिस्ट्री है, इन्होंने लिखा हुआ है कि कब के थे, 15 सेंचुरी वाले। ये भी इस तरफ ये है कि वही बादशाह का सामान, ये जो चीजें उनको लेके घूमनी होती थी वो घूमते थे। उसके बाद ये उनका बैग हो गया, तो ये जो है ये स्टूल हो गया, बेंच, और यहाँ पे जो है इनकी वही तस्वीर वगैरह। इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ इनका वही म्यूजिक वाला, इनका ज्यादा सामान नहीं है म्यूजिक वाला, लगते शौक नहीं था इनको इतना। ये ड्रम रखे हैं, ठीक है, ढोल रखा हुआ है बजाने के लिए। उसके बाद जो है ये बाकी बैग हो गया, उसके अलावा पॉट्स हो गए। तो ये इसके बाद हम आते हैं अब इस तरफ, ये जो औरतें बुजुर्ग वो पहनती थी ये वाले सामान, ये वाले नेकलेस, ये भी हैंडमेड हैं और वो बीट्स के बने हुए, बीट्स के, तो ये पहनते थे वो। अब आते हैं इस तरफ, ये डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स हो गए इनके, ठीक है, ये पानी का बर्तन हो गया, उसके अलावा ये बाकी पंपकिन से बनाया हुआ वाला। तो ये स्टोरेज करते थे, मिल्क स्टोरेज के लिए हो गया, उसके अलावा वाटर स्टोरेज के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं इधर, ये जो है ये वो हनी के लिए होता था, ठीक है, जो शहद होता है ना, ये शहद इसमें जो है ये मक्खियाँ बनाती थी, तो वो इन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था, तो उसी के अंदर बनता था, तो ये निकाल लेते थे। बाकी ये कुछ टूल्स हैं, ठीक है, बी हाइव हो गया, उसके अलावा टूल हो गए, और ये डिगिंग के लिए वही जो होती है मट्टी खोदने के लिए। उसके बाद ये हंटिंग का सामान, ये जो जानवरों का शिकार करते थे, ये वो शिकार का है, शिकार पे तो खैर पाबंदी लग गई थी, तो इसलिए ये खत्म हो गया, इन्होंने अब इसको सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। बाकी ये इनका खाने का सामान हो गया, और ये उसकी बकरे की खाल इन्होंने लगाई हुई है। इसके बाद इनके ये लोग जो है ना ढोल के ज्यादा शौकीन थे, ढोल बजाने के, तो यहाँ ये सारे ढोल रखे हुए हैं। वो पूरा कबीला जो है शादी ब्याह में सुनाता था। और बाकी ये जो है ये चमड़े का बना हुआ है, लेदर, प्योर लेदर, ये बनाते थे ये भैंस गाय वगैरह की चमड़ी से अपनी चारपाई बना के, तो उस पर सो जाते थे। तो ये जो है म्यूजियम के सामने वाली जगह है, यहाँ सारा समंदर हुआ करता था, तो जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ से बोट पकड़ के फिर आगे जाते थे, बोट लेके,
तो ये था मलिंडी का म्यूजियम जो कि आपको दिखा दिया। इसमें जो रॉयल फैमिलीज है उनका सामान, उसके अलावा जो ट्रेडिशन था, बाकी मेडिकल वगैरह किस तरीके से करते थे और क्या ये लोग मानते थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।